हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हमारा है वो फसलों से रिलेटेड है, यानी कि आज की जो हमारी ट्रिक होगी वो फसलों से रिलेटेड होगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। आज हम लोग क्या सीखेंगे, फसलों के बारे में। जैसा मैंने बताया तो फसलों से रिलेटेड क्या है, तो जैसे तने वाली फसल होती है, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, तो वो सीखेंगे। आप सबसे पहले जानते हैं तना वाली कौन सी फसलें होती हैं, क्या तने वाली कौन सी फसलें होती है, तो लिखेंगे तना वाली फसलें। अब तना वाली कौन कौन सी फसलें हैं उसके लिए ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक लिखिए, ट्रिक है आपकी हद कर दी आपने। ट्रिक क्या है, हद कर दी आपने। तो हद से क्या होगा, ठीक है, फिर कर से क्या होगा, फिर कर हो गया, फिर क्या बचा, दी और आपने, तो दी से क्या होगा, दी से क्या होगा, फिर आप से क्या होगा, ठीक है, तो आ से क्या होगा और पास से क्या होगा, और ना जो है यहाँ पर वो साइलेंट है। ना क्या है, साइलेंट, ना साइलेंट, ठीक। तो देखते हैं हद से क्या होगा, हद से है हमारा हल्दी। हल्दी कौन सी फसल है, तना वाली फसल है, ठीक है। हल्दी के बाद क्या है, कर, तो कर से आपका क्या है, केसर। कर से क्या है, केसर, कर से हो गया केसर। उसके बाद क्या है, दी, कर के बाद क्या है, दी। तो यहाँ पर दी से क्या मतलब है, दी से है अदरक, लेकिन यहाँ पर दी मतलब आदि मान लो, दी मतलब आदि, वो आदि मतलब अदरक, ठीक। उसके बाद क्या है, आपने, आपने लिखा था, तो आ से यहाँ पर क्या होगा, आ से होगा आलू। तना वाली फसल में क्या आता है, आलू। उसके बाद क्या है, पा, तो पा से क्या होगा, प्याज, पा से प्याज। तो ये आपकी तना वाली फसलें हो गई, 1 2 3 4 5, पांच फसलें हैं आपकी, हल्दी, केसर, अदरक, आलू और प्याज। ये कौन सी हैं, तना वाली फसलें। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, तना वाली फसलें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, हद कर दी आपने, बस इतना याद रखना है, हल्दी, केसर, अदरक, आलू और प्याज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग खरीफ की या रबी की फसलें, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे देखा जाए। चलिए हो गया होगा, अब हम लोग देखते हैं खरीफ की फसलें, क्या देखेंगे, खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलों का ट्रिक क्या होगा, तो ट्रिक है मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। कौन सी फसलें हैं पहले ये देख लेते हैं, लिखिए खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक लिखिए मेहर के गधे ने, मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, ठीक है। पहले क्या थी, हद कर दी आपने, सेकंड क्या है, मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। अब इसे मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, ठीक है, तो माँ से क्या होगा, हाथ से क्या होगा, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, माँ, सबसे पहले क्या है, माँ, तो माँ से आपका पता क्या होगा, खरीफ की फसलें हैं ये, तो माँ से क्या होगा, मक्का, माँ से क्या होगा, मक्का, माँ से हो गया मक्का। मक्का के बाद क्या है, हर, हर है ना, तो हर से क्या बनेगा, अरहर, हर से क्या होगा, अरहर, अरहर पता है, अरहर की दाल होती है, खरीफ की फसल में आएगी। माँ से हो गया मक्का, हर से हो गया अरहर, ठीक है। उसके बाद क्या है, के गधे ने, तो के क्या है, साइलेंट है, के क्या है, साइलेंट है, कि आपका साइलेंट हो गया। उसके बाद क्या है, गधे,
गधे है ना, तो गधे में गा से क्या होगा, गा से होगा गन्ना, गा से गन्ना। इसके बाद क्या है धे, तो यहाँ पर धा से क्या है, अब धे तो नहीं लिखेंगे ना, गा धा हो गया, तो धा से क्या लिखेंगे, धान, धा से क्या होगा धान। देखो तो चार हमें पता चल गए हैं, मक्का, अरहर, गन्ना और धान, ठीक है। इसके बाद गधा कंप्लीट हो गया है, ने दिल से बाजा बजाया, तो ने भी यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, ने क्या है, साइलेंट, ने आपका साइलेंट। इसके बाद दिल की बात करें तो दिल से आपका होगा तिल, दिल से हो गया तिल। से बाजा बजाया, तो से भी क्या है यहाँ पर, से क्या है, साइलेंट है, से क्या है, साइलेंट है। साइलेंट हो गया। इसके बाद आगे देखें बाजा बजाया, ठीक है, तो बाजा से क्या होगा, बाजरा, बाजा से होगा बाजरा। अब फिर क्या है, बजाया, तो बजाया में खाली जा से मतलब है, किससे मतलब है, जा से, बजाया में सिर्फ जा से मतलब है। और यहाँ भी आधा जा यूज होगा क्या, ज्वार, ठीक। ये हो गई आपकी दूसरी ट्रिक खरीफ की फसलों के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी हम लोगों ने पढ़ ली खरीफ की फसलें, अब हम लोग पढ़ेंगे रबी की फसलें, क्या पढ़ेंगे, रबी की फसलें, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखा तना वाली फसलें, हद कर दी आपने, सेकंड देखा खरीफ की फसलें, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, महर मा से मक्का, हर से अरहर, गा से गन्ना, धा से धान, दिल से तिल, बाजा से बाजरा और जा से ज्वार, ठीक है। ज्वार बाजरे की रोटी खाई जाती थी पहले, अभी भी गाँव में लोग खाते हैं। चलिए अब देखते हैं रबी की फसलें, क्या देखेंगे, रबी की फसलें। रबी की फसलें, अब इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं, इसकी ट्रिक नोट करिए। नाई हूटर बसते ही जोश में आलू लाया, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, ये आपकी ट्रिक है। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, चलो इसको समझें। ये कौन सी, रबी की फसलें, रबी की फसलें कब होती हैं, ये हमेशा सर्दियों में होती हैं, कब होती है, सर्दी, सर्दी के टाइम में। तो नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो नाई में क्या है, ना है, नाई में क्या है, ना है, तो ना से क्या होगा, चना, ना का लास्ट वर्ड ले रहे, ना से बन गया चना। उसके बाद क्या है, ई, ई है, तो ई से होगा राई, राई पता है ना, सरसों है ना। फिर क्या है, हूटर, हूटर है ना, तो इसमें हु से मतलब है, किससे मतलब है, हु से, तो हु से हो जाएगा आपका गेहूं, गेहूं हमेशा सर्दियों में होता है, क्योंकि गेहूं में जब बालियां निकलने के पहले वाला जो टाइम होता है, बालियां कम, बालियां जब निकल आती है उसके बाद गर्मी होने लगती है, गर्मी में क्या होती है, बालियां पीली हो जाती है। उससे पहले क्या होता है, जब पौधा छोटा होता है तो जितनी ज़्यादा उस पर ओस गिरती है, जितना ज़्यादा ठंडे पड़ती, पाला पड़ता, उतना गेहूँ अच्छा होता है ना। तो मतलब ये सर्दी में होती है, हमें याद रहेगा कि गेहूँ हमेशा सर्दियों में होता है, और सर्दियों वाली कौन सी है, रबी की फसलें, ठीक है। तो ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, और हु से हो गया गेहूँ। अब इसके बाद क्या है, टर, क्या है, टर, हूटर है ना, तो टर से हो गया मटर, टर से, वो टर मत समझ लेना, टर टर, टर से क्या है, मटर, टर से हो गया मटर। आगे क्या है, बज,
ये हूटर हो गया। फिर बजते ही जोश में आलू लाया, तो बजते ही जोश में आलू लाया, ठीक है। तो अब बजते ही से कोई मतलब नहीं है, हूटर था इसलिए बजते ही लिखा है। बजते ही क्या है यहाँ पर, साइलेंट है, ये पूरा क्या है, साइलेंट, ठीक। अब क्या बचा, जोश में आलू लाया, तो जो जो है, तो जो से क्या हो जाएगा, जो, जो से जो। फिर शाह, सार से आपको पता ही, सरसों, ये राई है यहाँ पर, ये सरसों है दोनों एक ही चीज, इसका भी ऑयल निकलता है, उसका भी ऑयल निकलता है, ठीक। उसके बाद क्या है, जोश में आलू लाया, तो अब आलू दिख रहा है केवल, आलू, आलू से आलू, आलू कौन सी फसल है, तना वाली फसल है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो इधर क्या हो गया, लाया, इधर लाया लिखा है, लाया भी क्या है, साइलेंट, ठीक। और उसके बाद और क्या साइलेंट है, जोश तो हो गया था, मे साइलेंट, ठीक। तो कुछ समझ में आया, रबी की फसलों में क्या होगा, वो फसलें जो ठंडियों में होती हैं, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, नाई, अब अगर हम वैसे याद करते तो नाई हूटर जोश आलू, थोड़ा सा अजीब था इसलिए उसमें और मिला लिया गया, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो नाई से क्या हो गया, ना और ई, ना से चना, ई से राई, हू से गेहूं, टर से मटर, जौ से जौ, सा से सरसों, और आलू तो आलू ही है। तो हम लोगों ने तीन फसलों के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने तीन फसलों के बारे में पढ़ा। पहली क्या थी, तना वाली फसलें कौन सी होती हैं, उसके ट्रिक देखी, हद कर दी आपने। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा, रबी की फसलें कौन सी होती हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।